ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੁਸਨ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਪਿਆਰ ਅਨੋਖੇ ਨਾ ਸੀ ਧੋਖੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਗਿੱਲੇ ਸੁੱਕੇ, ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ, ਕੱਚੇ ਕਰਸੀ ਖੁੱਲੇ ਵੇੜੇ, ਪਾਕ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਣਖਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਨਾ ਸੀ ਪੈਰ ਪਿਛਾਉਣ, ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਗੋਲਡਨ ਟਾਕਸ ਵਿਦ ਸ਼ਿਪਰਾ ਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਨਵੀਸ ਕਾ ਵਾਰਮ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ। ਐਲੀਗੈਂਟ ਕੋਂਬੋ ਆਫ ਬਿਊਟੀ, ਬ੍ਰੇਨਸ ਐਂਡ ਟੈਲੈਂਟ, ਯੇ ਲਾਈਨਸ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਸੂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਪਰ ਜਿਸਸੇ ਹਮ ਆਪਕੋ ਅੱਜ ਮਿਲਵਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਮਿਸ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ। ਤੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਪਨੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਮੇਂ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਟਾਲੀਵੁੱਡ ਐਂਡ ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਆਲਸੋ। ਤੋ ਚਲੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਉਨਸੇ ਆਪਕੋ ਮਿਲਵਾਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਵਹੀ ਹਮਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਵੋ ਕੈਸੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਉ ਆਰ ਯੂ? ਆਈ ਐਮ ਸੁਪਰ, ਹਾਉ ਆਰ ਯੂ? I am fine, ma'am. We must say you are and such a gorgeous diva. Oh, thank you. That's so sweet. You are so pretty. Thank you so much, ma'am. First of all, ma'am, we want your intro in your words. My intro in my words? Yes. Okay. Hello. I am Vamika Gabbi. I think I am very real and not fake. That's such a superb introduction from your side. तो मैम चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले ये बताइए कि आपने एक्टिंग लाइन जो अपनी स्टार्ट की थी वो कितना टाइम हो गया आपको एज योर मॉडल ऑल्सो, तो कब से हैं आप इस लाइन में? वेल, नॉट अ मॉडल, मॉडल्स आई गेस वो होते हैं जो रैम्प वॉक्स, यू नो, जो मॉडलिंग करते हैं। मैंने एज सच एक आधी बार की होगी रैम्प वॉक, वो भी अपनी एक फ्रेंड के लिए, शी वाज डिजाइनिंग द क्लोथ, सो यू नो। अदरवाइज आई एम एन एक्टर, मैं हमेशा एक्टर बनना चाहती थी, हीरोइन भी नहीं बनना चाहती थी, हमेशा एक्टर बनना चाहती हूँ और एक होपफुली लोग मुझे एज एन एक्टर देखते हैं अब, और बस यही, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू इन लाइफ। और बेसिकली यू आर फ्रॉम पंजाब? या आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़, बट अब मुझे कुछ 5-6 साल हो गए हैं बॉम्बे रहते हैं। तो मैम बॉलीवुड मूवीज़ में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और जिन मूवीज़ में आप काम कर चुके हैं हम चाहते हैं वो व्यूवर्स को बताइए प्लीज़। देखिए, मैंने शुरुआत की थी, एक फिल्म है 16, उससे की थी एज अ मेन लीड, हम तीन लड़कियों की फिल्म थी। उसके बाद मैंने पंजाबी फिल्म शुरू की, उसके बाद साउथ, और अब इस वक्त मैं पंजाबी फिल्म्स भी कर रही हूँ और साउथ भी कर रही हूँ, एंड मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह का काम मैं कर रही हूँ, जिस तरह की फिल्म्स मैं कर रही हूँ, जिन जिन लोगों से काम मैं कर रही हूँ। तो जी, कैसे बैलेंस करते हैं टॉलीवुड, बॉलीवुड एंड पॉलीवुड आल्सो? मैं आपको बताऊं, इस साल मेरा बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है क्योंकि ये फिल्म ख़त्म करूंगी और फिर एक साउथ की फिल्म शुरू करने वाली हूं, फिर उसके बाद एक और साउथ की फिल्म है, फिर पंजाबी फिल्म है, तो थोड़ा टफ होगा, लेकिन अदरवाइज काम करना, जब आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, जब आप अपनी फिल्म के सेट्स पर और आप एक्टिंग कर रहे हैं, वो काम नहीं लगता है, वो मतलब मेरे लिए क्योंकि पैशन है तो वो काम काम नहीं लगता है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। एक चीज़ बताइए, आपने हमसे जैसे शेयर किया कि आप साउथ की मूवीज में काम कर चुके हैं, तो वो लैंग्वेज आपको कुछ टफ नहीं लगता? ग्रैप होता है, अगले दिन के जो डायलॉग्स होते हैं मैं हमेशा मंगवा लेती हूँ और असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ बैठ कर एटलीस्ट 3-4 घंटे में वो जो 4-5 पेजेस होते हैं उनको याद करती रहती हूँ और अंडरलाइन करती हूँ, मतलब लिखती हूँ, तो बड़ी प्रॉपर प्रेपरेशन करके रोज़ रात को, बस वहाँ पे इतना डिफिकल्ट होता है। पंजाब में ये थोड़ा इजी होता है कि पंजाबी आती है तो आराम से डायलॉग्स याद हो जाते हैं, लेकिन वो सब डिफ़िकल्टीज जो साउथ में काम करने के लिए आती हैं, लर्न करना, और पता नहीं चलता क्या बोल रहे हो, पर आपको एक एक फिर आप एक एक मीनिंग लिखते हो ताकि आप करेक्ट इमोशंस अपने फेस पे ला पाएँ, वो सब थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन वहाँ की जिस तरह की मैंने फिल्म्स की हैं वहाँ पे, स्टिल यू आर डूइंग दैट विद फुल एनर्जी, वी मस्ट से। बिल्कुल, मतलब जिस तरह की फिल्म्स मैंने वहाँ पे की हैं, जिस तरह के रोल्स मैंने वहाँ प्ले किए हैं, मैं हमेशा साउथ की फिल्म्स करती रहूँगी। या मैम, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस, अब तक आप जो मूवीज़ कर चुके हैं और अब आपकी एक मूवी आ रही है नाडू खान, इसमें किस टाइप का आपका करेक्टर है? क्योंकि जैसे हमने होर्डिंग्स पे देखा कि बहुत सिंपल और बहुत ही टिपिकल, हम कह सकते हैं कि एक विलेज गर्ल लग रहे हैं, तो कैसा करेक्टर है आपका? तो ये 1930-40 के बीच में की फिल्म है
और इसीलिए इतनी सिंपल लग रही हूँ, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा लोग सिंपल ही होते थे, ज़्यादा यू नो पहरावे पे ध्यान नहीं होता था, और अगर होता भी था तो मतलब पहरावे पे नहीं, काजल लगा लिया या लिपस्टिक लगा ली, लिपस्टिक भी क्या वो लाली सी बस ऐसे रख ली, तो वो उनका उनके लिए उतना ही बहुत होता था, तो इसीलिए बहुत सिंपल सा कैरेक्टर है। मूवी में भी सेम चीज़ अप्लाई की गई है आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इस कैरेक्टर में जैसे आप इस पर अगेन आप जैसे आपने बोला कि विलेज गर्ल, मैंने पहले भी ये विलेज गर्ल ये प्ले किया है, लेकिन वो सब कैरेक्टर्स बहुत बोल्ड कैरेक्टर्स थे, बहुत ही मुँह फट कैरेक्टर्स थे, और मुझे बहुत मज़ा आता था वो कैरेक्टर्स प्ले करने में भी। लेकिन नाडू खां की जो का जो कैरेक्टर है मेरा वो है जिंदो का, और वो बहुत ही स्वीट और सिंपल और ज़्यादा बोलती नहीं है, डर जाती है, तो ना मैं ऐसी खुद रियल लाइफ में हूँ और ना मैंने ऐसा कैरेक्टर पहले कभी प्ले किया था, तो इस बार किया तो मज़ा आया ये कैरेक्टर प्ले करने में, तो कुछ जब भी कुछ अलग करो तो उसमें हमेशा अच्छा ही लगता है। मैम हरीश वर्मा जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ड्यूरिंग शूटिंग टाइम, और आने वाली मूवीज़ के बारे में भी प्लीज़ कुछ बताइए। हरीश जी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फाइनली मैं इनके साथ काम कर रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। हाँ बिकॉज हम दो तीन बार पहले भी हमारी फिल्म्स की बात चली थी लेकिन वो वर्कआउट नहीं कर पाया, तो इस बार जब हो गया सब फाइनल तो मैंने कहा रहे इस बार हम कर रहे हैं काम, बिकॉज ही इज ऑल्सो टू थिएटर एंड ऑल एंड आई वॉन्टेड टू वर्क विद हिम एंड बरिंदर बनी एज वेल। तो अच्छा लगा काम करके, और आगे की मेरी फिल्म्स जो आ रही हैं वो 3 मई को दिल दियां गल्लां, अभी तो 26 अप्रैल को नाडू खां आ रही है विद हरीश वर्मा, 3 मई को दिल दियां गल्लां विद परमेश वर्मा। कोई यहाँ पे तो उनका इतना बड़ा फैन है इन पंजाब, वी कैन से इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा मेरा, जितना भी अभी तक मैंने फिल्म्स किए उन सब फिल्म्स का अच्छा एक्सपीरियंस ही रहा है। सबसे अच्छी बात है बहुत अलग अलग तरह की फिल्में हैं, नाडू खां और दिल दियां गल्लां दोनों के अगर आपने ट्रेलर्स देखे हैं दोनों को बहुत प्यार मिला है ट्रेलर्स को, और अभी नाडू खां का एक गाना भी रिलीज़ हो रहा है जिसका नाम है दिल दियां गल्लां, तो इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड, तो आई वाज वेरी हैप्पी, लाइक सही है। तो यू वांट टू सिंग दैट सॉन्ग 2 लाइंस ओनली? या मेरी नहीं, ये आप हरीश जी से करवाइए, उनको तो गाना आता है। उसके बाद 20 सितंबर को मेरी फिल्म आ रही है निक्का जलदा 3 विद एमी विर्क, और फिर आ रही है दूरबीन 27 सितंबर विद निंजा, तो इट्स गोना बी अ बिजी ईयर। तो मैम अभी हम चाहते हैं स्पेशली लुधियाना आए हैं इस मूवी को लेकर, तो आप लुधियानवी से स्पेशली क्या अपील करना चाहेंगे, आपकी मूवी 26 अप्रैल को रिलीज हो रही है? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ 26 अप्रैल को प्लीज़ अपनी पूरी फैमिली के साथ ज़रूर जाइए, हमने कुछ कोशिश की है कुछ अलग करने की, रेसलिंग को लेके आए हैं पंजाबी सिनेमा में जो पहले नहीं हुआ था, तो रेसलिंग के ऊपर फिल्म है और पंजाब की तो बहुत पुरानी स्पोर्ट है ये, राइट रेसलिंग जी, तो आई जस्ट होप कि आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ 2 घंटे का टाइम निकाल के ज़रूर फिल्म देखने जाइए नाडू खां। एक मैम लास्टली हम चाहते हैं कि एक अपील और कीजिए कि हमारे इलेक्शंस पास में आ रहे हैं बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को लेके, तो आप वोटिंग को लेके स्पेशली यहाँ के लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, कि कई लोग ऐसा होता है कि वोट डालने नहीं जाते बिकॉज उनको लगता है कि हमारा कोई रोल नहीं है इस चीज़ में, तो आप स्पेशली उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि यू नो मैं हमेशा देखती हूँ कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम सब कमेंट्स और या फिर बातें करने में ग्रुप्स में हम सब बोल देते हैं कि ये नहीं सही है देश में, वो नहीं है सही है देश में, लेकिन अगर हम कुछ कर सकते हैं देश के लिए तो वो पहला स्टेप यही है कि अपना जो राइट टू वोट प्लीज़ एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, आपकी मर्ज़ी आप किसको देखना चाहते हैं यू नो कुर्सी पे और आप किसको वोट करना चाहते हैं, लेकिन वोट ज़रूर कीजिए, तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब लोग वोट ज़रूर कीजिए। सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ गॉर्जियस डीवा, गॉर्जियस एक्ट्रेस मिस वामिका गबी जी, जिनकी मूवी 26 अप्रैल को रिलीज़ होने जा रही है नाडू खां, तो उन्होंने भी आपसे अपील की और उनके भी यहाँ पे हम भी आप सबसे अपील करते हैं कि 26 अप्रैल को थिएटर्स में जाइए देखिए इस मूवी को, क्योंकि ये मूवी बहुत ही प्यारा सा मैसेज लेके आने वाली है सबके लिए, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवी ऑन 26 अप्रैल। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।